हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बहुत ठंडी है, अपना ध्यान रखिए। कल क्रिसमस है और आज ठंडी बहुत है और कल इससे ज़्यादा ठंड रहेगी। आई लव क्रिसमस, मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोगों को भी एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, इस जर्नी को भी। आप लोग स्पेशल सोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे आज थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे बताना है आप लोगों को। और कल मैंने आपके कमेंट बॉक्स में देखा था कि आप में से बहुत से लोगों को चक्रास पे कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। आज मैं बिल्कुल क्वेश्चन कागज़ पे लिख के बैठी हुई हूँ, जिससे कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई छूट ना जाए। अच्छा दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि हम कोई कितनी देर करना चाहिए, किसी ने पूछा कि हमें ये किसी एक खास चक्रा पे ही करना चाहिए या सबको एक साथ करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑल चक्रास को दीजिए, मतलब 5 मिनट्स पर चक्रा। इस प्रकार से 30 मिनट्स तक तो कम से कम अपना मेडिटेशन चक्रास का करिए ही करिए, ठीक है। अगर आप लोग करते आ रहे हैं या जैसे सपोज आपका अगर स्पेशल कोई सोलर प्लेक्सस आपका जो भी आपको लगता है कि मेरा वो चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। देखिए, मैंने हर चक्रास पे आप लोगों को के जो बेनिफिट्स बताए हैं कि ये चक्रा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चक्रा से हमें ये बेनिफिट्स हैं, तो आप जिस चीज़ का बेनिफिट अपना बढ़ाना चाहते हैं, आपको अगर स्पेशल चक्रा पे वर्क करना है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आप 10 मिनट्स के लिए, सपोज़ किसी को अच्छा वक्ता बनना है, उसको थ्रोट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, आपको 10 मिनट्स से फिर नहीं, फिर आप उसको एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट्स थ्रोट चक्रा को दीजिए, ठीक है, अकेले उस पर। तो या आपको जो भी हर चक्रा के मैंने बेनिफिट बताए हुए हैं, तो जो भी बेनिफिट्स आपको अपने उसको बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको जो बेनिफिट जिस चक्रा से चाहिए उस पर आप वर्क करिए। जो आपकी कमज़ोरी है, जो भी आपकी कमियां हैं, जिस चक्रा के ब्लॉक होने के कारण से वो कमियां हैं, उन चक्रास पे वर्क करिए। और किसी ने पूछा कि हम ये पलंग पे कर सकते हैं क्या? देखिए, बेस्ट चीज़ जो हम बोलेंगे कि आप आसन बिछा के बैठ के करिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट वे। और चक्रास में तो आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी ही होनी चाहिए। तो आप ज़मीन पर या बैठ या फिर कोई सात्विक जगह हो, शुद्ध जगह हो, या वो बिस्तर जो अगर बेड भी है तो वो आपका जहाँ आप सोते हो वहाँ ना हो, जहाँ ऐसे लाइक सपोज लिविंग रूम का काउच होता है वो बेड हो तो भी ठीक है, लेकिन वो बहुत सात्विक शुद्ध प्योर जगह होनी चाहिए। एक आपका आसन बिछा हो जिसके ऊपर आप बैठ के अपने स्पाइन को स्ट्रेट करके चक्रास को आप ये मेडिटेशन करेंगे। किसी ने कहा था कि इसको कैसे बोलते हैं? देखिए, आपको उस एरिया को महसूस करना है। जैसे कि अब मैंने थ्रोट चक्रा बोला है तो आपको गले की एरिया पे वो उस कलर को महसूस करना है, ठीक है। और फिर आपको ऐसे हम, तो ये हम मंत्र को बोलते रहना है। अभी स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो गाइडेड मेडिटेशंस भी होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं ये प्रेफर करती हूँ कि अगर एक बार आपको बैठने की आदत पड़ गई है या आप लोग बिगनर्स नहीं है तो हर मेडिटेशन को आपको खुद से करना चाहिए। उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी पूरी बॉडी में मतलब जाती है, वो आपके लिए जो उसके फ़ायदे हैं यू कांट मतलब वो गाइडेड मेडिटेशन से नहीं मिलता है, ठीक है। ओम की फ्रिक्वेंसी जो आप अपने मुंह से बोलते हैं और एक गाइडेड मेडिटेशन की है डिफरेंट होती है। यही तो आपकी ऊर्जा है, जिससे ये आपकी चक्रास की ऊर्जा है, जो ट्विन सोल्स की ऊर्जा है, यही तो हमारी मैट्रिक्स को चेंज करती है। चेंज करने के लिए चाहिए हमको आपकी ऊर्जा चाहिए, ट्विन सोल्स की ऊर्जा चाहिए इस मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए। तो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन से वो चीज़ वो हम नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के डाउट्स थे जो मैंने क्लियर कर दिए।
चलिए अब हम शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, किसी ने कहा था कि मैंने कल थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र नहीं बताया। मैंने अपना वीडियो ये सुना नहीं, बाद में हो सकता है ना बताया हो, मैं भूल गई हूँ। तो हमारा थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र है वो हम है हम। और किसी ने पूछा था हार्ट चक्रा का भी, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र यम। ठीक है, ये बाकी आप पिछले जो लोअर चक्रास हैं उसका आप जो कल का वीडियो है उसको ध्यान से फिर से सुनिए। जो लोग आज पहली बार मेरा चक्रास का देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो को जाके देखिए, मैंने लोअर चक्रास सब आपको बता दिए हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ थर्ड आई चक्रा के बारे में। देखिए, थर्ड आई चक्रा को हम लोग आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये हमारे दोनों जो आईब्रो होते हैं उनके बीच में ये आज्ञा चक्र होता है। जब और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमको यहीं पर ही इन दोनों आईब्रो के बीच में इसी जगह पर अपने ध्यान को फोकस करना रहता है। इसी जगह पर हम एक डीप ब्लू, जिसे कहते हैं ना गहरे नीले रंग की ऊर्जा को, हम उस जगह महसूस करते हैं। किधर? दोनों आईब्रो के बीच में हम डीप ब्लू गहरे नीले रंग की ऊर्जा को महसूस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली कहाँ होता है ये? ये हमारे माथे से के पीछे, हमारे दोनों कानों के बीच में इस ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। ये चक्र वहीं होता है एक्चुअली में, इसलिए हम इसको अपनी दोनों आईब्रो के बीच में महसूस करते हैं। ये चक्र वैसे हमारे दोनों माथे के पीछे, हमारे दोनों कानों के बीच में ये चक्र होता है, बट क्योंकि हम लोग जिस यहाँ पर तिलक लगाते हैं दोनों आईब्रो के बीच में, वहीं हम इस ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसको चक्र फॉर्म में महसूस करते हैं। तो ये जो नीली गहरी ऊर्जा है वो पूरे उस एरिया में फैलती जाती है। ठीक है, अच्छा, इस चक्र के ये जो चक्र है ये इसके फायदे क्या हैं? इससे आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है ये बढ़ती है, हमको कई दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड से जो आने वाले संदेश होते हैं, जो भी हम लोग चैनलिंग जिसे हम कहते हैं, यूनिवर्स से जो हम बात करते हैं या यूनिवर्स जो आपसे बात करता है, ये सब चीज यूनिवर्स के मैसेजेस हमको आसानी से समझ में आने लग जाते हैं। हमसे यूनिवर्स बात आसानी से कर सकता है, करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी से भी मिलेंगे तो आप उसकी माइंड रीडिंग कर सकते हैं, आप टेलीपैथी जैसे कहते हैं ना डीएम से टेलीपैथी पे बात करना, तो हम लोग अपने डीएम से या अपनी डीएफ से हम लोग एस्ट्रल लेवल पे टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं, आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे विजन को तो बढ़ाता ही है, और इस चक्र के एक्टिवेट होने से हमें बहुत ही दिव्य रंग दिखते हैं। ठीक है, और हमारा यूनिवर्स से कांटेक्ट बढ़ जाता है, हमारी आकाशिक जो चैनलिंग्स होती हैं जो ज़्यादातर टैरो रीडर्स वगैरह करते हैं या हम लोग करते हैं, हीलर्स करते हैं, तो हम ये जो आकाशिक चैनलिंग हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये थर्ड जो हमारा आगे चक्र रहता है ये एक्टिवेट रहता है। इसका जो बीज मंत्र है ये ओम है। ठीक है, और अक्सर बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स आई थर्ड आई पे वर्क करते ही करते हैं क्योंकि उनका एक चार्म ये भी रहता है कि हम अपने डीएम से टेलीपैथी से कम एक कनेक्शन बना के रखें, हम एक यूनिवर्स से कनेक्शन बना के रखें। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, और हमको भी कुछ चैनलिंग हो सके। हम भी समटाइम्स यू वोंट बिलीव कि डिवाइन फेमिनेंस अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी हीलिंग कर लेती हैं। अच्छा, अब डिवाइन फेमिनेंस डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग कैसे करती है ये मैं आगे बताऊंगी क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है थर्ड आई। आज पेपर क्वेश्चन पेपर लेके बैठी हूँ आप लोग के क्वेश्चंस के। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है जो है क्राउन चक्रा है। देखिए, क्राउन चक्रा क्या है कि ये जो शरीर का हमारा आखिरी बिंदु है, मतलब इसके बाद सबसे जो लास्ट का चक्र कह लीजिए आप, ये हमारा ये चक्र आपका एक प्रकार से कहिए सर्वोच्च शिखर है।
ये आपकी चेतना का सर्वोच्च केंद्र है, ठीक है। ये अगर हम कहें कि हमारी अध्यात्म की जो यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करना ही करना चाहिए। या ये कहिए कि आपके सारे चक्रास अगर एक्टिवेट हो गए तो क्राउन चक्रा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो ही जाता है। थर्ड आई तक आपके सारे चक्रास अगर एक्टिवेट हैं तो क्राउन चक्रा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेट हो जाता है। और ये यहाँ पर अगर आपका ये एक्टिवेट हो गया, मतलब समझ लीजिए कि यू आर अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन, मतलब आप ग्रेट ही ग्रेट हो जाएंगे, दैट्स इट। अच्छा, खैर, ये कहाँ होता है? ये सिर की चोटी वाले स्थान पर ये चक्र होता है। इस चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता है, ठीक है। यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो यहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, पर जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमको एक बिल्कुल शून्य जैसा महसूस होता है, एक शांति महसूस होती है, एक आनंद ही महसूस होता है। ये जो चक्रास की जर्नी जो मैं हमने कल से कल के वीडियोस में अभी जो बताई है, ये सब कर पाना, ये नहीं कह रहे कि कठिन है, पर एक साधना है, तपस्या है। और जब तक हमारे सारे ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो क्राउन चक्रा तो जब तक हम पहुँचते हैं, आप महामानव बन जाते हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है, परम आनंद की अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग, ये चक्र एक्चुअली वॉलेट कलर का होता है, पर हमको समटाइम्स यहाँ पर वाइट कलर की लाइट भी महसूस होती है, यहाँ हमको महसूस होती है, समटाइम्स हमें गोल्डन लाइट भी महसूस होती है। और आप इस यहाँ पर वॉलेट कलर भी अपने क्राउन चक्रा पे, अपनी सिर की चोटी पर महसूस कर सकते हैं। वाइट मतलब वाइट आपकी आत्मा का रंग होता है, गोल्डन हमारे परमात्मा का रंग होता है। और यहीं से हमारे शरीर का भले ही ये एक आखिरी छोर है, एक आखिरी बिंदु है, पर यहाँ से ऊपर की जो यात्रा होती है उसकी शुरुआत इसी पॉइंट से होती है। इसलिए बहुत ही मतलब अध्यात्म के लिए के रूप क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में परमात्मा से जुड़ने का एक चक्र मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद रखूँगी कि आप लोग कड़ी तपस्या करके अपने सारे इस चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों, मुझे कुछ और भी आज मैंने क्वेश्चंस लिखे थे आप लोगों के, जो आप लोगों ने पूछे थे, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन के जवाब दे देती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी हीलिंग की बात की थी कि जो डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन की भी हीलिंग करती हैं, देखिए उस पर मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि जब आप मेडिटेशन करती हैं, सपोज़ जो भी कमियाँ आपके अंदर हैं, सपोज़ अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी को डिपेंडेंट होगा। अगर आप को किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फियर है, या आपकी चाइल्डहुड जो आपका वुंड्स है वो डिवाइन मैस्कुलिन की भी होंगे ना, क्योंकि आप तो सेम सोल है। तो जब आप मेडिटेशन करती हैं और आप जब अपने मेडिटेशन में सेल्फ हीलिंग करती हैं कि मैं अपने बचपन के वो सारे चाइल्डहुड के मेरे ये जितने भी आपके पेन्स हैं उनका नाम लीजिए, उसको हील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे सारे वुंड्स दूर हो रहे हैं, हाँ, और मैं साथ में अपने डिवाइन मैस्कुलिन के भी चाइल्डहुड के जो वुंड्स हैं उनको दूर कर रही हूँ, मेरे मैस्कुलिन के भी वुंड्स दूर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। आप मैं अपनी को डिपेंडेंसी की जो मेरी आदत है, जो निर्भरता की मेरी जो कमी है, मैं इसको दूर कर रही हूँ, मैं इसको हील कर रही हूँ। तो जब आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म होएगी तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी तो कार्मिक पे डिपेंडेंट है, वो आपके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके पास कार्मिक है, वो ये सोचता है ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल विद कार्मिक। उसको आपके पास डर लगता है आने से, उसको ये लगता है कि आप उसको
बिल्कुल अच्छे से जानती हैं आप सब चीज़, वो इस भाग रहा है हमसे क्योंकि वो डिपेंडेंट है कार्मिक के ऊपर। तो आप जब अपनी को डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगी तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो को डिपेंडेंसी कार्मिक के ऊपर है वो हील होएगी। आप बोलिए मेडिटेशन के वक्त कि मेरी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, मेरी को डिपेंडेंसी दूर हो रही है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की को डिपेंडेंसी भी दूर हो रही है, वो भी अपने कार्मिक पे अब निर्भर नहीं है। इस प्रकार से आप डिवाइन फेमिनिन्स भी अपने मैस्कुलिन की हीलिंग कर सकते हैं क्योंकि वो आप ही का हिस्सा है, आप ही की जो कमियां हैं वो उसके अंदर भी हैं। तो आप जब खुद को हील करेंगी तो वो भी हील होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा कि ये फॉल्स ट्विन कब आता है, ये फॉल्स ट्विन क्या होता है, कैसे इसके बारे में। देखिए फॉल्स ट्विन और ट्विन में अगर बहुत ही बारीक डिफरेंस निकालना है, सारे सारे आपको ऑलमोस्ट सेम ही उनके क्राइटेरियाज लगेंगे कि आप डेफिनेटली आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वो फॉल्स ट्विन है कि ट्विन है। मतलब बहुत ही बारीक जो एनालिसिस हम कर सकते हैं फॉल्स ट्विन में कि आप फॉल्स ट्विन को हर चीज़ शेयर करना नहीं चाहेंगे, बट यू कैन शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद योर ट्विन। आप अपने ट्विन से कुछ भी हाइड नहीं करना चाहते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि हम उसको सब कुछ बता दें, उसको उससे हर प्रकार की बात कर लें, जो शायद आप अपनी सहेलियों से या अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते हैं, वो हर प्रकार की बात आपको अपने ट्विन को बताने का मन करेगा, उससे बात करने का मन करेगा, उसको छुपाना तो बहुत दूर की बात है, आप बताना चाहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आप कितने भी सेम ट्रेड्स हो ट्विन के फॉल्स ट्विन के, बट आप बहुत लंबे टाइम तक फॉल्स ट्विन के को नहीं झेल सकते, यू विल नॉट एन्जॉय द कंपनी ऑफ फॉल्स ट्विन। जबकि आपके ट्विन के साथ आपकी कितनी भी देर आप के साथ रहोगे आपको बिल्कुल भी बोर्डम नहीं लगेगा, यू विल नॉट गोइंग टू फील बोर्डम विद योर ओन ट्विन। आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ट्विन्स को लेके। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हम कैसे, अब इतने बार मैं जवाब दे चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम कैसे, साइन एंड सिम्टम्स दो दो वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके मेरे वीडियोस देखिए। किसी ने मुझसे, अभी कोई नए सब्सक्राइबर होंगे तो उन्होंने सवाल किया कि ट्विन फ्लेम है कैसे पता चलेगा, तो मैं आज आपको एक बहुत ही बिल्कुल फाइन लाइन एक सिम्टम बता रही हूँ ट्विन फ्लेम होने का, फिर से न्यू सब्सक्राइबर के लिए। आई थिंक शायद मैंने इसको बोला भी नहीं है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं कैसे कंफर्म करें कि हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं, सवाल ये था कि कैसे कंफर्म करें कि हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं। देखिए जो इनर वर्क हम लोग कर रहे हैं, ये इनर वर्क करने की जो परमिशन होती है ये सबको नहीं होती है, मतलब हर कोई इनर वर्क कर ही नहीं सकता है। अगर आप में से जो लोग इनर वर्क करने से भाग रहे हैं, आप लोग अफेयर्स में हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, पर अगर आपसे कहें आप इनर वर्क करिए, अगर आप इनर वर्क में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप इनर वर्क में इंजॉय नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं। और जो लोग का फोकस, जो लोग बार बार उनका फोकस ट्विन फ्लेम्स के ही वीडियोस में जा रहा है, बार बार वो ट्विन फ्लेम्स की ही बातें कर रहे हैं, या बार बार उनको ट्विन फ्लेम्स के बारे में ही जानने की इच्छा होती है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, मतलब हर जगह से उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स में कर लिया है, दिस इज़ अ साइन दैट यू आर ट्विन फ्लेम। क्योंकि हर यूनिवर्स ने ये इनर वर्क, ट्विन फ्लेम इनर वर्क, ये साधना, ये स्पिरिचुअल, इस प्रकार की जर्नी पे चलने का हर किसी को अलाउ ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। अगर आप इस जर्नी में चल रहे हैं, आप इस जर्नी में एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, मतलब इट इज़ कन्फर्म दैट यू आर ट्विन फ्लेम। और आप इस जर्नी को शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्विन फ्लेम है ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, ट्विन फ्लेम्स कभी नेगेटिविटी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब अगर सपोज अगर आप डिवाइन फेमिनिन्स हैं, आप औरत हैं,
औरतें अक्सर गॉसिप्स में इंटरेस्ट लेती हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा जिद औरतें गॉसिप कर रही तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा. यू डोंट लाइक नेगेटिव थिंग्स एंड गॉसिप्स, आप अपने आप को बिल्कुल अलग रखेंगे और नेगेटिव बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ट्विन फ्लेम्स. इवन जैसे कि समटाइम्स कोई नेगेटिव कमेंट लिखता है यहाँ पर तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये सब नेगेटिविटी को मैं को नहीं रखना है अपने पास. और मैं आप लोगों से भी ये कहती हूँ, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. कोई भी यहाँ पर लो वाइब्रेशन में है, आधी नॉलेज के बेस पर कुछ भी लिख रहा है, मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं चाहिए. तो ट्विन फ्लेम्स को नेगेटिविटी पसंद ही नहीं है. हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं. तो जो रियल ट्विन्स होंगे उनको नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो किसी भी प्रकार के गॉसिप्स का पार्ट नहीं होते हैं और दे आर ऑलवेज फोकस्ड इन देयर जर्नी. तो ये एक बिल्कुल अंडरलाइन सिम्टम है कि आप ट्विन फ्लेम हैं. और इसके अलावा और भी लिस्ट है पर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं अब कुछ और भी क्वेश्चंस मैं जो लिख के लाई थी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों, ठीक है, आपकी डाउट्स और क्वेरीज़ को क्लियर करूंगी. तब तक आप लोग इस पे चक्रास पे वर्क करिए, और कोई डाउट्स है वो भी पूछिए. एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. क्रिसमस को खूब इन्जॉय करिए, खूब एंजॉय करिए, अपनी जर्नी को खूब एंजॉय करिए. लव योर सेल्फ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. लव यू ऑल दोस्तों, टेक केयर, बाय.